ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि यह पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन एवं संपूर्ण सुख सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। वही कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में इसी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए। तो आज के वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ, जैसे कि पहली बार व्रत कैसे शुरू करें, पीरियड में व्रत कैसे करें, प्रेग्नेंट लेडी व्रत कैसे करें, पानी कब पिए, सरगई और पारण के नियम क्या है, प्रसाद रूप में क्या अर्पित करें, सामग्री लिस्ट क्या है, तो ये सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगी। साथ ही जो है स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक छोटी छोटी चीज बताऊंगी, नहा खा से आपको किस प्रकार से नियमों का पालन प्रारंभ करना है, और फिर व्रत वाले दिन आपको क्या क्या करना है और पारण आपको किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत की तिथि और पारण पूजा आदि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, और इस वर्ष अर्थात 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ेगी 6 सितंबर शुक्रवार के दिन। तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 सितंबर को दोपहर के 12:21 पर, और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर के 3:01 पर। तो उद्याव्यापनी तृतीया तिथि 6 सितंबर को होने के कारण इसी दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, 6 सितंबर शुक्रवार के दिन कई दुर्लभ शुभ संजोग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वप्रथम सुबह शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह 9:25 से 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग और रात 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। इन दोनों अद्भुत एवं शुभ योग में पूजा पाठ और व्रत का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में दो पूजाएं की जाती हैं, एक सुबह के समय और शाम की जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है, जिसमें कि विधि पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और कथा पढ़ी जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा इस दिन सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक, 2:31 का मुहूर्त है। इस बीच में आप पूजा सम्पन्न कर सकती हैं। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:53 से रात्रि 8:16 तक, इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 7 सितंबर शनिवार के दिन किया जाएगा, और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:14 से सुबह 7:15 तक। अब दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की विधि और नियम जान लेते हैं। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसको निर्जला किया जाता है। जिस दिन व्रत है उस दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता, जिस कारण यह व्रत अत्यंत कठिन हो जाता है। तो अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी भी कारणवश निर्जला नहीं रह सकती हैं, तो आप फल और शरबत पीते हुए इस व्रत को करें, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप पहले रखें। कई लोग दिन भर जो है निर्जला रहते हैं और शाम को पूजा करने के बाद शरबत पी लेते हैं, तो आप ऐसे भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस व्रत में नियमों का पालन एक दिन पहले से किया जाता है, अर्थात व्रत के एक दिन पहले जिस दिन द्वितीया तिथि है उस दिन नहा खा किया जाता है। तो नहा खा वाले दिन अर्थात द्वितीया तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करें, लाल पीले नारंगी इस प्रकार के धारण करें। साथ ही इसी दिन जो है सर धो के नहा लें, इसी दिन अपनी चूड़ी और बिछिया भी बदल लें, पैरों में आलता लगा लें, और इसी दिन जो है आप हाथों में मेहंदी भी लगा लें। सुबह में स्नान के बाद विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हैं
इस व्रत का आपको शुभ फल प्राप्त हो। इसके बाद जो है आपको सारे दिन सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज किसी भी प्रकार के नशे की पदार्थ या मांसाहार का इस दिन आपको सेवन नहीं करना है, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब जिस दिन व्रत है अर्थात तृतीया तिथि को हरतालिका तीज वाले दिन सुबह में सर्गी करने का नियम है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है, सारे दिन आपको निर्जला रहना होता है, तो सुबह में इसमें सर्गी की जाए। अब दोस्तों सर्गी में आप जितना ही लिक्विड चीज़ें खाएंगे, शरबत पी ले, मिल्कशेक पी ले, अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय पी ले, तो इस तरह से जितना लिक्विड चीज़ खाएंगे उतने ही दिन में प्यास कम लगेगी। तली भगरी चीज़ें ना खाएं, मीठी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, हल्की चीज़ें खाएं। तो आप जो है भगवान का सुबह में आशीर्वाद लेकर के और हल्का फुल्का कुछ भी खाना खा के ढेर सारा पानी पी करके अपना व्रत प्रारंभ करें। जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह में स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें और उसके बाद सुबह में भी बताए गए मुहूर्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें, व्रत करने का संकल्प लें और भगवान से आशीर्वाद लें कि आप हरतालिका तीज व्रत करने जा रही हैं, आपका व्रत सफल हो और इसका शुभ फल प्राप्त हो। सारे दिन भगवान का ध्यान करते रहें, दिन के समय सोना नहीं है, ये इस व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम है। तो सारा दिन जो है पूजा की तैयारी में और प्रसाद बनाने में व्यतीत करें। जहां आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ कर ले, वहां एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, साथ ही उसके ऊपर संपूर्ण शिव परिवार भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। साथ ही पीली मिट्टी, बालू या काली चिकनी मिट्टी से आप वहां पे एक शिवलिंग भी बना ले जिसकी की शाम को पूजा की जाएगी। साथ ही दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूजा करना होता है शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पूजा का विशेष महत्व है। तो पूजा से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको नए वस्त्र धारण करने हैं, ये एक अगला नियम है इस व्रत का कि आपको बिल्कुल नए वस्त्र धारण करने हैं और साथ ही बिल्कुल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करना है। टीका नथिया आपको उस दिन जरूर पहनना चाहिए, पायल, बिछिया, चूड़ी, ये सारी चीजें जो एक दुल्हन पहनती वो सारे आपको इस दिन जरूर पहनने चाहिए। अब दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसाद रूप में क्या अर्पित करें, तो सबसे पहले तो इसमें 5 फल जरूर अर्पित करने चाहिए, जो भी इस समय ऋतु फल मिल रहे हैं, सेब, केला, नारंगी, खीरा, ये सारी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें अलग अलग जगह में परंपरा के अनुसार अलग अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जैसे मेरे घर में, मैं बिहार से हूँ, वहाँ पे गुजिया चढ़ाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। कई जगह मीठे पापड़ चढ़ाए जाते हैं, पूड़ी, गुलगुले चढ़ाए जाते हैं, तो जो भी प्रसाद आपके घर के परंपरा के अनुसार चढ़ाई जाती है वो आप चढ़ाएं, परंतु प्रसाद घर में बना हुआ होना चाहिए। साथ ही पंचामृत भी जरूर तैयार कर लें, गाय के कच्चे दूध में दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत तैयार हो जाती है और भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जो कि आग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प आदि ले लें, पुष्प माला ले लें, माँ पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की पिटारी ले लें, उसमें कम से कम 5 प्रकार के सुहाग सामग्री जरूर होनी चाहिए, जिसमें कि महत्वपूर्ण है कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, मेहंदी। साथ ही माँ को वस्त्र भी जरूर अर्पित करें, चुनरी, साड़ी या ब्लाउज का पीस कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और पूजा करने से पहले जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी के सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें, उनका ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद जो है पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव को आग, धतूरा, प्रसाद आदि अर्पित करें, माँ पार्वती को जो है सुहाग की पिटारी अर्पित करें, चुनरी अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात हरतालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण या पठन करें और उसके बाद जो है आरती करें और क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपकी हरतालिका तीज व्रत की पूजा संपूर्ण होती है। इसके बाद जो अपने नए वस्त्र पहने हैं उन्हें बदल दें, क्योंकि ये नए वस्त्र पुनः आपको सुबह में पारण के समय पहनना है और सुबह में पारण का समय होता है सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो सुबह में पुनः स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जो नए कपड़े आपने लिए हैं उसको पहने, श्रृंगार करें और इसके बाद फिर विधिवत आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करनी है। आपको इस प्रकार पूजा करने के पश्चात माता पार्वती को
पारण के लिए आपको सामग्री अर्पित करनी है। आपके घर में आपके परिवार की परंपरा के अनुसार जिस भी चीज से पारण किया जाता है वो माता पार्वती को अर्पित करें। मेरे घर में जौ के सत्तू और गुड़ से किया जाता है, कई जगह चने और गुड़ से किया जाता है, तो वो माता पार्वती को भी आप अर्पित करें। इसके बाद आपको सुहाग लेना होता है। आपने माता पार्वती को जो सिंदूर अर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेकर के आप अपने सिंदूरे में डालें और उससे आप स्वयं सिंदूर करें। और उसके बाद कई महिलाएं मिलकर पूजा कर रही हैं तो सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। आपने जो भी माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसमें से थोड़ी सी सुहाग की सामग्री आप लेकर के उसी वक्त पहन लें, जैसे चूड़ियां पहन ली, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया, और उसके बाद आपको सर पे आंचल रख के अपने आंचल में जो आपने प्रसाद अर्पित किया है माँ को उसमें से थोड़े से आपको ले लेने होते हैं अपने आंचल में। ले वो भगवान का आशीर्वाद हो गया, उस प्रसाद में से आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार में अपने पति को दें, अपने बच्चे को दें। अब आपको पारण करना है। आपने पारण के लिए जो भी सामग्री ली है उसको आप जो है ग्रहण करें और पानी पीने के बाद ही कुछ आपको बोलना है, बीच में बोलना नहीं है। इस प्रकार आपका पारण संपन्न होता है, हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से पूजा संपन्न करने के पश्चात आपको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए हाथ जोड़ के भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि जब भी आप उनकी पूजा करें वो आपके घर में पधारे। भगवान श्री गणेश से स्थायी रूप से आपके घर में वास करने की विनती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और थोड़ी सी चौकी हिला दें, ये आपका विसर्जन हो गया। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में भी सुहाग की सामग्री के दान का अत्यधिक महत्व है। आपने जो भी माता पार्वती को अर्पित किया है उसको आप दान करें और अपने प्रयोग के लिए भी रखें। अब दोस्तों, मैं अब आपके प्रश्न ले लेती हूँ जो बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पहली बार अगर हरतालिका तीज व्रत शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। दोस्तों, पहली बार हरतालिका तीज व्रत शुरू करने का नियम है कि कई जगहों पे ये अपने मायके से शुरू किया जाता है। अगर आप अपने मायके जाकर के व्रत नहीं शुरू कर रहे, आप जहाँ रहते वहीं कर रहे, तो भी मायके से तीज अर्थात पूजा की सारी सामग्री, आपके नए कपड़े प्रसाद आते हैं और उसी का प्रयोग करते हुए आपको तीज का व्रत करना होता है। तीज व्रत जब आप पहली बार कर रहे हैं उस समय आप संकल्प लें कि आपको ये तीज व्रत आप अपने पति की मंगल कामना के लिए हर साल करेंगी। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, जब तक जीवित रहते हैं व्रत कर। अब प्रश्न है कि क्या पीरियड में व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो पीरियड में व्रत को शुरू ना करें। अगर आपने व्रत रखा हुआ है और आपने संकल्प ले लिया है उसके बाद पीरियड आ गया आपका, तो दोस्तों व्रत आपको खंडित भी नहीं करना है, आपको व्रत पूर्ण करना है। पूजा की सामग्री आपके घर में कोई और महिला हो उनसे आप जो है भगवान को अर्पित करा दें, या फिर पंडित जी से आप पूजा करा दें, या फिर दोस्तों कई महिलाओं की ऐसी परेशानी भी आती है कि घर में कोई भी नहीं है, पीरियड भी आ गया, मंदिर में भी नहीं हम सामान भिजवा सकते हैं, तो दोस्तों फिर भी अगर आपने संकल्प ले लिया है व्रत का और उसके बाद आप अशुद्ध हो जाती हैं तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है। व्रत और आपके घर में आपकी जगह पे पूजा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो मैं कि प्रदोष वाले दिन दोबारा से आप इसी प्रकार से व्रत रखें और उसी दिन आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करें, अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें और अपनी मनोकामना कहें, इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिले होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हरतालिका तीज व्रत की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।